हेलो दोस्तों न्यूज़ फोरूम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो आज फाइनली यहाँ पे एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है थोड़ा सा वीडियो हमारा ज़रूर लेट हुआ है आज ठीक है तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं तो पहले की तरह आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ठीक है इससे पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है और उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आई होगी कि अगर यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे एस सभी परीक्षाओं की जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रेड मेटेरियल और अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है तो देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट मैं और बताना सब देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ केवल इस शिफ्ट के जो क्वेश्चन है मैं किसी स्टूडेंट के द्वारा शेयर किए गए आपको शेयर कर रहा हूँ अदरवाइज पिछले जितने भी जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई है मैं खुद वहाँ पर कलेक्ट करके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाता था लेकिन इसमें जो है ये जो क्वेश्चन है सारे ये किसी स्टूडेंट ने अपनी जो फर्स्ट शिफ्ट की जो वीडियो थी उसके कमेंट बॉक्स में लिखे हैं आप देख सकते हैं जाके फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स ठीक है वहाँ पर सारे क्वेश्चन भेजे गए हैं उसके द्वारा अब ये मैं यहाँ पर मतलब कि बता नहीं सकता कि ये रियल क्वेश्चन है या फेक क्वेश्चन है लेकिन जो भी है आपने अगर एग्ज़ाम दिया है सेकंडशिप का तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है ठीक है तो चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं जो भी है अपना यहाँ पे कुछ नुकसान है नहीं तो देखिए विश्व चेस चैम्पियनशिप दो है इसका खिताब किसने जीता था मैगन स्कॉल्सन ने जीता था और जो दुनिया के नम, दूसरे नंबर वन के खिलाड़ी थे चेस के अंदर फावियनो करवाना इन्हीं को हरा ये दो का चेस चैम्पियन इन्होंने जीता था मैगेंस कार्ल ने ठीक है ये क्वेश्चन एक बार पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी ठीक है उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 22 दिसंबर है इसको किस रूप में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है फिर देखिए बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है ठीक है तो ये बुलंद दरवाज़ा जो है बनाया गया था अकबर के द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था सोलह सौ ईस्वी में बनाया गया था और ये बनाया गया था अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में यही बुलंद दरवाजा इन्होंने बनाया था पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है और शायद में भी पूछ लिया गया है ये ऑलरेडी कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ स्थित है तो ये आगरा से थोड़ा दूर जो है जो फतेहपुर सिख है वहीं पर यह बुलंद दरवाजा स्थित है ठीक है एक यहाँ पे देखिए पद्मावत जो कविता है इसके लेखकों ने ये पूछा गया था तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत कविता के लेखक है ठीक है ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल ट्वेंट टी फर्स्ट ए ये पूछा गया देखिए रिपीट हुआ ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है तो ये है जो है जो छः से और चौदह वर्ष के बीच के जो वायु वाले जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार जो है ये देता है आर्टिकल ट्वेंटी फर्स्ट ए ठीक है ये एक यहाँ पर देखिए भारत का बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह पूछा गया यहाँ पर ठीक है तो ये है गंगा राम जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है ठीक है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये उसके बाद में देखिए एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये पूछा गया था तो ये हुआ था उन्नीस सौ इकतीस में हुआ था ठीक है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ था उन्नीस सौ तीस में हुआ था इस तरीके से तीन सम्मेलन हुए थे ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें कांग्रेस ने भाग भी लिया था एक कसन इससे बनता है यहाँ पे कि इसमें कौन से गोलमेज में सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग लिया था या फिर नहीं लिया था ऑप्शन दे देते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें लिया था कांग्रेस ने भाग ठीक है फिर देखिए एक पूछा गया था यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है तो जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है ठीक है स्वभावत देखिए वर्तमान में अगर बात करता हूँ तो कौन है एम वेंकैया नायडू जी हैं ठीक है थीके? जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा उसके बाद में देखिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है जो दशहरा के दिन जो दुर्गा पूजा के दौरान जो नृत्य किया जाता है पश्चिम बंगाल में कौन सा होता है दोनों नृत्य होता है ठीक है अगर डेंगू होता है तो उसमें किसकी कमी होती है ब्लड के अंदर डेंगू से प्लेटलेट्स की कमी होती है ठीक है ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आर था ठीक है तो ये डब्लू था और प्लेटलेट्स था तो ये प्लेटलेट्स जो है यहाँ पर आंसर हुआ भारत का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड कहाँ बनाया गया है ठीक है तो ये है यूपी गाजियाबाद में जिसकी लंबाई कितनी है 10.30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और सबसे लंबा एलिवेटेड रोड कहा जा रहा है ठीक है दो हज़ार में नवंबर या दिसंबर में शायद इसकी जो है लॉन्च इसको उद्घाटित किया गया था इसको ठीक है फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ ये पे साइंस का क्वेश्चन था अगर 20 मिनट के लिए अंडे को विनेगर में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा एक्चुअली मुझे इसका कंफर्म नहीं है आप बता सकते हैं जे एक ब्रिज में होने वाला पिकोक नर्ते से कुछ ऐसा क्वेश्चन था ठीक है तो ये भी आप मुझे बताइएगा जिनका पेपर था एक्चल क्वेश्चन क्या था ये बता दीजिएगा ठीक है मेरी कॉम के द्वारा अब तक कितनी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली गई है तो छः बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन्होंने जीती है और छः बार जीतने वाली ये पहली महिला मुक्केबाज बन चुकी है तो ध्यान रखिएगा काफ़ी बार इसका संबंध पूछ लिया जाता है मेरी कॉम का किस खेल से है बॉक्सिंग से संबंधित है ठीक है भारत की ही प्लेयर है ठीक है आर्टिकल वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं ये पूछा गया था तो देखिए यहाँ पे पूरा ध्यान रख लेना है आपको अनुच्छेद कितने हैं तीन सौ पचानवे हैं अनुसूचित कितनी है बारह है और भाग कितने हैं बाईस भाग में भी विभाजित हैं ठीक है तो ये तीनों ही आप ध्यान रख लीजिएगा आगे जो है पूछा जा सकता है फिर देखिए निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है खरीफ की फसल पूछी गई नहीं है मतलब कि ऑप्शन में दे रखा नहीं है तो देखिए जो है मैं आपको बता देता हूँ खरीफ और रबी दोनों देख लेते हैं खरीफ के अंदर आती है धान बाजरा मक्का कपास मूँगफली शकरकंद उर्दू मोट चावला तिल जो भी गंवार जट जूट सनई अरेर, देना चना सोयाबीन भिंडी ये सारी जो है खरीब की फसलें हैं ठीक है अगर रबी की बात करते हैं तो रबी में आता है गेहूँ जो चना सरसों मटर ठीक है सर बरसीम रिज़का मसूर आलू तंबाकू लई जी जो कि अभी वर्तमान में इस टाइम पे चल रही है ये रबी की फसलें हैं ठीक है अभी वर्तमान में ठीक है प्रेजेंट में फिर देखिए किस देश की सकल राष्ट्रीय आय भारत से अधिक है तो इस तरीके का उस क्वेश्चन था ठीक है जी तो ये एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हम डिसाइड कर सकते थे ठीक है तो जो भी है आप बता दीजिएगा इसका आंसर भी मुझे ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और कोशिश करता हूँ कि थर्ड शिफ्ट की वीडियो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा सकूँ ठीक है थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू